और दोस्तों आज मैं आपको दयालपुर रास्ते होते हुए बिद्दूपुर रेलवे स्टेशन लेके चलता हूँ। और यहाँ सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध BMD कॉलेज है जो कि दयालपुर में स्थित है। और यहाँ पर शायद एग्ज़ाम्स चल रही है, इस वजह से बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं रेलवे स्टेशन फाटक के पास पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले जो है एक रेलवे क्रॉसिंग अक्षयवट राय नगर रेलवे क्रॉसिंग जो है इसको क्रॉस करनी पड़ती है। तो दोस्तों चलिए पहले हम इस फाटक को क्रॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद अब मैं बिद्दूपुर मार्केट पहुंच चुका हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पर आपको कुछ फल विक्रेता नज़र आएंगे। बगल में कुछ दुकान खाने पीने की बनी हुई है जहाँ पर केक हो मिठाई वगैरह मिल जाता है। और आपको कहीं आना जाना है, यहाँ से लोकल सर्विस के लिए टेम्पो उपलब्ध है जिसे ऑटो कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं गन्ने का रस भी यहाँ पर उपलब्ध है जिसे आप इतनी तपती गर्मी में खरीद कर पी सकते हैं। अगल बगल में आप देख सकते हैं छोटे छोटे दुकान भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे विक्रेता यहाँ पर हैं जो हर तरह की सामग्री यहाँ बेचते हैं, जैसे किराना दुकान है, फल दुकान है, मिठाई दुकान है, इस तरह से बहुत सारी दुकान यहाँ पर सजी हुई है। कपड़ा दुकान भी है बगल में, ये देखिए फल दुकान है सारा। और सामने आप देख सकते हैं अक्षयवट राय नगर का बिल्डिंग जो है प्लेटफॉर्म बिल्डिंग आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम अंदर। और दोस्तों अंदर चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए वहाँ आप देख सकते हैं बिहार का सबसे फेमस नाश्ते की चीज़ लिट्टी भी यहाँ मिलती है। और दोस्तों यहाँ मिलने वाली जो लिट्टी है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है, जो कि आप एक या दो खाना चाहते हैं लेकिन स्वाद की वजह से आप चार या पांच भी खा जाते हैं। तो दोस्तों अब हम अक्षयवट राय नगर प्लेटफॉर्म की तरफ आ चुके हैं। और ये जो बिल्डिंग आप तस्वीर में देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग है, इसका अभी हाल फिलहाल में निर्माण हुआ है। इससे पहले जो मुख्यतः अक्षयवट राय नगर जो स्टेशन थी उसकी जो पुरानी बिल्डिंग है वो ये वाली है जो सामने आप लोग को नज़र आ रही है, जिसमें ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है अक्षयवट राय नगर। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अक्षयवट राय नगर जो है पहले बिद्दूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जानी जाती थी। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है प्लेटफॉर्म पे प्रवेश करते हैं और आप लोग को वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों जब आप सीढ़ियों से चढ़कर अंदर घुसते हैं तो पहली चीज़ आपको जो मिलती है वो है टिकट काउंटर। यहाँ पर आप रिजर्वेशन काउंटर भी टिकट ले सकते हैं और जनरल टिकट भी यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं टिकट काउंटर बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं। और सामने आप लोगों को जो है एक गुड्स ट्रेन मालगाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं पैसेंजर्स जो है यहाँ पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ रेलवे ट्रैक जो है वो 3 रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछी हुई, यानी कि ये छोटे स्टेशन नहीं है, अब ये जो है एक बड़ी स्टेशन बन चुकी है। पहले यहाँ पर सिंगल लाइन हुआ करती थी लेकिन अब जो है ये मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेन की संख्या है वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए महिला प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। जो महिलाएं यहाँ आते हैं पैसेंजर अगर वो रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर वो रेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म से आगे निकल करके प्लेटफॉर्म का आउटर सेक्शन देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं बैठने के लिए छोटे छोटे यहाँ पर बैठक बने हुए हैं। और यहाँ पर गुड्स ट्रेन जैसा मैंने बताया वो यहाँ पर खड़ी है, तो उसका इंजन भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए एक बेंच भी बना हुआ है जहाँ पर हमारे मित्र बैठ भी रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम भी करना चाह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो यहाँ आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने बारी का अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। सामने से पैसेंजर भी जो है प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। और यहीं सामने आप देख सकते हैं एक निर्माण कार्य भी चल रहा है, यहाँ पर जो है बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है।
शौचालय का भी यहाँ पर जो है व्यवस्था है, आप शौच का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, अब हम जो है आउटर सेक्शन पे पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म का। सामने आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सारा कुछ जो है इलेक्ट्रीफाइड है, सिग्नल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और सामने देख सकते हैं आप अक्षय भट्ट राय नगर का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि पहले बिदुपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों ये था हमारा अक्षय भट्ट राय नगर बिदुपुर रेलवे स्टेशन का ब्लॉग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो है यहाँ पर जो फूल के पेड़ लगे हुए, उस पर बहुत सारी खूबसूरत फूल लगी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।